ठीक, यहाँ पे देखेगा, फिर यहाँ पे, अभी सब बात करता हूँ। ये जर्मेनियम, फिर ये जर्मेनियम, ओके। अब यहाँ पे आर्सेनिक में 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं और जर्मेनियम में 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो जर्मेनियम के 4 जो होते हैं वो इससे बॉन्डिंग कर लेते हैं। इससे क्या करते हैं, बॉन्डिंग कर लेते हैं, इसके इससे बॉन्डिंग कर लेते हैं। 4 तो जर्मेनियम के 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, इससे कोवैलेंट बॉन्डिंग कर लिए। बट आर्सेनिक में फिर भी एक एक्स्ट्रा होता है, क्योंकि आर्सेनिक में 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन जो यहाँ बचा रहता है, इसी को कहते हैं हमारा फ्री इलेक्ट्रॉन। क्या कहते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन, और यही कहलाता है एक्सेस इलेक्ट्रॉन भी कहलाता है। क्या कहलाता है, एक्सेस इलेक्ट्रॉन कहलाता है। और ये जो हमारा आर्सेनिक हुआ है, यह क्या इम्प्योरिटी एटम है, क्या है, इम्प्योरिटी एटम है, इम्प्योरिटी। समझ में आया, तो एन टाइप सेमीकंडक्टर मेनली जो हमारा फॉर्मेशन हुआ, इस तरह इसका फॉर्मेशन होता है। यदि इसमें हम एनर्जी बैंड डिस्क्रिप्शन की बात करते हैं, अब यहाँ तक आई थिंक दैट यू हैव अंडरस्टैंड दैट, यहाँ पे इसको फ्री इलेक्ट्रॉन को कहते हैं। तो इसमें जो एनर्जी बैंड डिस्क्रिप्शन होगा, इसका जो एनर्जी बैंड डिस्क्रिप्शन होगा, उसको हम बताते हैं आपसे कैसे होगा। इसमें देखिएगा होगा क्या, ये आपका कंडक्शन वैलेंस बैंड हो गया, और ये हुआ आपका कंडक्शन बैंड, ये आपकी होती है एनर्जी गैप, इसके बीच में क्या हुआ, दिस इज योर एनर्जी गैप। अभी इसको हम बाद में लिखते हैं। अब ये हमारा वैलेंस बॉन्ड और ये हमारा कंडक्शन बॉन्ड, जब इस पे हमारी एनर्जी पड़ती है, अब होता क्या है, इस पे जब हम एक्साइटेशन करते हैं, जो हम इम्प्योरिटी ऐड करते हैं, तो इम्प्योरिटी मतलब हमारा एक प्रकार से, क्योंकि वह एक्सेस इलेक्ट्रॉन दे रहा है, इम्प्योरिटी ये जो मिला रहा हूँ यहाँ पे एक फ्री इलेक्ट्रॉन है, मतलब इसको ही कहते हैं डोनर भी कहते हैं। क्या कहते हैं, डोनर भी कहते हैं, एक्सेस फ्री इलेक्ट्रॉन ना कहके मैं कहूँगा अभी इसे डोनर कहूँगा, अभी फ्री इलेक्ट्रॉन मत करके आप एक्सेस इलेक्ट्रॉन करिएगा, कहीं कहीं फ्री कहते हैं, मेनली इसको हम कहेंगे एक्सेस इलेक्ट्रॉन। इसे हम डोनर भी कहते हैं, क्योंकि यह डोनेट करेगा, क्या कर रहा है, यह डोनेट कर रहा है एक इलेक्ट्रॉन्स को। तो जो यह एनर्जी लेवल होती है, यह जो एनर्जी, क्योंकि यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन बच रहा है, ज़्यादा हो रहा है, तो यह क्या करेगा, डोनेट करेगा, डोनर, इसीलिए इसका नाम पड़ा डोनर भी। तो यह क्या करता है, यह डोनेट, तो जो डोनर एनर्जी, आपको पता है वैलेंस बांड में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और कंडक्शन बांड में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो हमारी कंडक्ट करते हैं, तो जो वह एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, जो एक्सेस इलेक्ट्रॉन है, जो डोनेट कर रहा है, वह कहाँ पाया जाएगा, वह कौन सी एनर्जी में पाएगा, वैलेंस बांड में पाया जाएगा या फिर कंडक्शन बांड में पाया जाएगा, वह इन दोनों बैंड में नहीं पाया जाता है, ना ही बैलेंस बैंड में, ना ही कंडक्शन बैंड में। मीन दैट वी कैन से नाइदर कंडक्शन बॉन्ड नॉर वैलेंस बॉन्ड इज द होम ऑफ डोनर एनर्जी एटम। जो डोनर आपका है, उसका ना ही वैलेंस बॉन्ड ना ही कंडक्शन बॉन्ड कोई होम नहीं होता है। तो वह पाया कहाँ जाता है, वह जो डोनर एटम होता है वह कहाँ पाया जाता है, वह अपनी एनर्जी लेवल में पाया जाता है। वह एनर्जी कहाँ होती है, फॉरबिडन एनर्जी में पाया जाएगा। उसकी एनर्जी कहाँ होगी, वह फॉरबिडन एनर्जी गैप में, इसको कहते हैं फॉरबिडन एनर्जी गैप, इजी, अब यही पाया जाएगा। तो यहाँ भी इसका स्थान कहाँ होता है, वहाँ भी इसका स्थान जस्ट बिलो कंडक्शन बैंड के जस्ट बिलो होता है इसका एनर्जी लेवल। तो इसे हम कहते हैं डोनर एनर्जी लेवल, यह हमारा कहलाता है डोनर एनर्जी लेवल, डोनर एनर्जी लेवल, ये क्या है, डोनर एनर्जी लेवल। तो वह जो एक्सेस इलेक्ट्रॉन है वो यही पाया जाता है कंडक्शन बैंड के जस्ट बिलो, इसके और इसके बीच में जो एनर्जी गैप होती है, जो यहाँ से यहाँ तक की एनर्जी गैप होती है इजी, वह बहुत ही कम होता है, अप्रॉक्सीमेट 0.01 इलेक्ट्रिकल वोल्ट होता है। ऐसा क्यों होता है कि यह आपका
आपका डोप्ड सेमीकंडक्टर है तो इसमें थोड़ी सी ही एनर्जी देते हो रूम टेम्परेचर पे ही, जैसे ही यह पहुंचता है, क्योंकि आपको पता है इसे जानने से पहले रूम टेम्परेचर पे कोई भी सेमीकंडक्टर बिहेव्स एज इंसुलेटर, बट इन द केस ऑफ द एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बिहेव्स गुड कंडक्टर की तरह बिहेव, मतलब कंडक्टिविटी उसकी बिहेव करने लगती है अच्छा रूम टेम्परेचर पे। क्यों पता है? क्योंकि रूम टेम्परेचर मतलब बहुत कम एनर्जी, 300 केल्विन, तो जैसे ही हम उसमें डोपिंग एक्सट्रिंसिक मतलब इम्प्योर, तो रूम टेम्परेचर पे जैसे ही यह एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर पड़ता है तो इस डोनर एनर्जी में रहने वाला जो इलेक्ट्रॉन जो है, समझ रहे हो ना, जो इलेक्ट्रॉन है वह क्या करता है, थोड़ी सी एनर्जी पाने के बाद एक्साइटेड होता है और जंप कर जाता है कहां पे, कंडक्शन बैंड में। क्या करता है? कंडक्शन बैंड में जंप कर जाता है, जिससे कि इसकी कंडक्टिविटी इंक्रीज कर जाती है, तो वह जस्ट बिलो पाया जाता है। यह कहां पाया जाता है? डोनर एनर्जी लेवल में पाया जाएगा और बिलो। तो कोई आपसे पूछे कि एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में, जो हम डोपेंट मिलाते हैं, मतलब पेंटावेलेंट, मतलब एन टाइप सेमीकंडक्टर, तो उसमें जो हमारा एक्सेस इलेक्ट्रॉन होता है वह कहां पाया जाता है, तो आपका आंसर होगा एनर्जी गैप, फॉरबिडन एनर्जी गैप में। उसमें भी कहां? जस्ट बिलो द कंडक्शन बैंड। व्हाई? ऐसा क्यों होता है? बिकॉज ऑफ एट द रूम टेम्परेचर थोड़े ही थर्मल एक्साइटेशन में यह यहां से जंप करके इसमें पहुंच जाता है, तुरंत पहुंच जाता है और इजिली कंडक्टिविटी इसकी बढ़ जाती है। तो यहां पे हमारा बहुत सारे एक्सेस पाए जाते हैं और वैलेंस बॉन्ड में हमारा होल यहाँ पे पाया जाने लगता है। तो हम इसके बारे में एक चीज़ ये कर सकते हैं कि एन टाइप सेमीकंडक्टर के लिए, ये होल जनरेशन है और यहाँ पे जो मिल रहा है वो फ्री इलेक्ट्रॉन है। तो हम यहाँ से ये कह सकते हैं कि जो यहाँ पे ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन बन रहा है वह होल से ज़्यादा होगा। क्या होगा? होल से ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे जो एनी मतलब नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इज ग्रेटर दैन द एनएच, एनएच मतलब नंबर ऑफ होल से। तो ये कंडीशन हमारा एन टाइप में होगा। क्योंकि अब देखिएगा, ये भी आपके दिमाग में हो सकता है कि सर यहाँ होल कैसे आ गया, ये होल कहाँ से आ जा रहा है? क्योंकि एट रूम टेम्परेचर सेमीकंडक्टर में होता क्या है, कोवेलेंट बॉन्डिंग तो कुछ ना कुछ टूटती ही रहती है। तो जब कोवेलेंट बॉन्डिंग टूटती रहती है तो यहाँ से भी इलेक्ट्रॉन जंप करके उसमें जाते रहेंगे, तो जो इलेक्ट्रॉन वहाँ पे जाएंगे थर्मल इरिटेशन की वजह से, तो वो होल तो छोड़ते रहेंगे, तो उसके पैरल में होल का भी जनरेशन होता रहता है, बट होल की संख्या कम होगी क्योंकि यहाँ पे एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन मिल रहा है, जो कि डोनर एनर्जी लेवल में जो इम्प्योरिटी मैंने ऐड किया था वह तुरंत कंडक्शन बॉन्ड में चला जाता है, तो इसलिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं यहां पे ज्यादा पाए जाते हैं इसमें। अब इससे हम एक चीज और ये कह सकते हैं, यहां से कंक्लूजन कर सकते हैं, मेनी न्यू फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर प्रोड्यूस्ड। यहां से एक कॉन्सेप्ट मैं ये कह सकता हूं कि मेनी फ्री इलेक्ट्रॉन्स, यहां पे न्यू लिख देता हूं, मेनी न्यू फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर प्रोड्यूस्ड due to pentavalent impurity। ये आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे अगर हम कॉन्सेंट्रेशन की बात करें तो एक और इक्वेशन यहाँ पे मिलता है, ये मैं आपको बता दे रहा हूँ एन टाइप सेमीकंडक्टर के लिए, any NH is equal to ni square. Any where is the carrier density of free electron, NH is equal to carrier density of hole, ni is equal to intrinsic carrier concentration। ये आपको समझ में यहाँ पे आ गया होगा। अब हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं, n टाइप सेमीकंडक्टर जब हम पढ़ लिए तो एन टाइप कंडक्टिविटी भी, इसमें कैसा कंडक्टिविटी होता है ये भी पढ़ लेते हैं हम। एन टाइप कंडक्टिविटी, इसका हम डायग्राम बनाते हैं। एन टाइप कंडक्टिविटी, अब अगर आपसे ये पूछा जाए एन टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल में हर सेमीकंडक्टर में टू टाइप चार्ज ऑफ कैरियर पाए जाते हैं,
टू टाइप्स ऑफ चार्ज कैरियर, एक मेजोरिटी कैरियर, एक माइनॉरिटी कैरियर. देर आर टू टाइप्स ऑफ चार्ज कैरियर फाउंड इन सेमीकंडक्टर. वन इज योर मेजोरिटी कैरियर, मेजोरिटी कैरियर्स एंड सेकेंड इज योर माइनॉरिटी कैरियर्स, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर. मैंने चार्ज नहीं लिखा है, चार्ज कैरियर्स. मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स एंड माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स. ठीक है, ये थोड़ा सा गिर गया, इसको हम इससे लिखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है. माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स एंड मेजॉरिटी चार्ज कैरियर. तो मेजॉरिटी मतलब जिसकी संख्या ज़्यादा हो, मेजर हो. तो एन टाइप सेमीकंडक्टर में यदि आपसे पूछा जाए विच चार्ज कैरियर इज इन मेजॉरिटी चार्ज कैरियर, तो एन टाइप में एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, तो श्योरली आप कहोगे एनी जो होता है, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इज योर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर. यहाँ पे माइनॉरिटी चार्ज कैरियर क्या होगा, होल जो होती है उसकी संख्या कम होती है, तो NH जो होगा, होल जो होगा, यहाँ पे माइनॉरिटी चार्ज कैरियर होगा. तो ये इक्वेशन आप समझिएगा, इसको समझने के लिए वेरी इंपॉर्टेंट था. अब इसकी हम अगर हम डायग्राम बनाते हैं, स्कीमेटिक डायग्राम, तो वो मैं आपको समझाता हूँ कैसे क्या होगा. जरा ये देखिएगा, बहुत जल्दी, टाइम कम है क्योंकि दूसरे टीचर्स वेट कर रहे हैं. ये मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ, ये आपकी बैटरी लगी हुई है, वेरी गुड. यहाँ से एक्चुअली सेमीकंडक्टर में दो बाइपोलर कहलाता है, क्योंकि यहाँ पे टू टाइप्स ऑफ चार्ज कैरियर पाए जाते हैं. मैंने बोला था वाई सेमीकंडक्टर इज कॉल्ड द बाइपोलर बिकॉज देयर इज प्रेजेंस ऑफ द टू टाइप्स ऑफ चार्ज कैरियर, वन इज योर मेजॉरिटी कैरियर एंड अनदर इज योर माइनॉरिटी कैरियर. इन एन टाइप सेमीकंडक्टर मेजॉरिटी कैरियर इज योर इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, व्हाइल द होल इज द माइनॉरिटी कैरियर. नाउ दिस इज द स्कीमेटिक डायग्राम ऑफ द एन टाइप सेमीकंडक्टर, यू कैन वॉच इट हियर. दिस इज योर नेगेटिव टर्मिनल, सो इलेक्ट्रॉन विल फ्लो फ्रॉम हियर. इलेक्ट्रॉन्स जो होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ से फ्लो करते हैं, इस तरह इनका मूवमेंट होता है. अब यहाँ पे फिर वापस ये इस तरह आते हैं. मान लीजिए इलेक्ट्रॉन्स थे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स थे, इनका मोमेंट इस तरह होता है, इनका मोमेंट जो होता है वो इस तरह होता है. अब अंदर की तरफ भी जाएंगे तो ये इसी तरह मूव करते रहते हैं. ठीक, अब आपके मन में होगा सर इट इज ट्रू दैट ये एन टाइप सेमीकंडक्टर था, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन मूव किए, बट ये है तो सेमीकंडक्टर, वेरी गुड. तो सर यहाँ पे होल्स के द्वारा भी करंट जनरेट होगा, तो होल्स कहाँ पाया जाएगा, होल्स के बेसिक सी बात है, होल्स भी यहाँ पे पाया जाएगा. और होल्स को मैं पॉजिटिव चार्ज कैरियर दिखा दे रहा हूँ, यहाँ पे क्या दिखा रहा हूँ, पॉजिटिव चार्ज कैरियर मैं दिखा दिया. अब ये जो होल्स पाए जाते हैं इसमें कम मात्रा में है, तो मुझे ये बताइए, आपके दिमाग में हो सकता है कि सर ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे जा रहे हैं, ठीक है, वापस यहाँ पे आ रहे हैं, सर्किट में फ्लो कर रहे हैं, होल्स क्यों अंदर ही हैं, क्या होल भी बाहर आएगा, यदि यह बाहर आएगा तो इसका डायरेक्शन किधर से किधर होगा. दो क्वेश्चन हो सकता है, सर इन सेमीकंडक्टर देयर आर टू टाइप्स ऑफ द चार्ज कैरियर, मेजॉरिटी एंड माइनॉरिटी. इन एन टाइप सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉन्स आर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर, सो करंट इज फ्लोइंग ड्यू टू द मेजॉरिटी चार्ज कैरियर. ओके, हियर होल इज माइनॉरिटी चार्ज कैरियर, सो द करंट विल फ्लो बिकॉज ऑफ द होल ऑल्सो. यस, आई विल से यस. तो वट विल बी द डायरेक्शन ऑफ द होल करेंट हियर, होल करेंट का डायरेक्शन क्या होगा, क्या यह फ्लो इधर करेगा या इधर. बेसिक सी बात, अगर किसी के दिमाग में यह होगा, वह सोचता होगा कि यह पॉजिटिव चार्ज कैरियर है तो यह अट्रैक्ट होगा निगेटिव टर्मिनल की तरफ से, तो इसका डायरेक्शन ये होना चाहिए. अगर किसी के दिमाग में ये होगा वो कह सकता है सर इसका डायरेक्शन ये होगा. मैं कहूँगा वेरी गुड, यू आर राइट. अगर किसी के दिमाग में ये हो कि सर ये पॉजिटिव है ये निगेटिव टर्मिनल है, तो पॉजिटिव निगेटिव की तरफ आएगा, जैसे कि निगेटिव निकल रहा है और पॉजिटिव की तरफ जा रहा है, तो मैं कहूँगा ठीक है कुछ समय के लिए, ये मैं मानता हूँ होल है. ठीक, वेरी गुड. बट होता क्या है, जैसे ही ये यहाँ पहुँचता है तो जो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से पहुँच रहे हैं इस पॉइंट पे, इलेक्ट्रॉन जो पहुँच रहे हैं, ये इनका कोइलेशन होता है, क्योंकि निगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज आपको क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, तो यह एक दूसरे को क्या करते हैं, कैंसिल कर देते हैं. क्या होता है, कैंसिल कर देते हैं, तो यहाँ से यह फ्लो नहीं करता है. फिर दूसरी बात ये हो सकती है कि सर फिर ये इधर को फ्लो करना चाहिए,
इधर को फ्लो करेगा, बट यहाँ पॉजिटिव टर्मिनल होने की वजह से यह इसको क्या करता है, रिपेल करता है, इसलिए यह इधर को भी नहीं फ्लो हो पाता है। तो दूसरा ये हो सकता है, तब मैं ये कहूँगा कि होल एक्चुअली होल जो होता है वो, अब मैं ये कहूँगा आउटर सर्किट में जो कि मेटल वायर हो, चाहे वो कॉपर होगा चाहे एल्यूमिनियम होगा, फ्लो ही नहीं करता है। आई थिंक दैट यू विल बी शॉक्ड बाई दिस, ट्राई टू अंडरस्टैंड मी व्हाट आई वॉन्ट टू से दैट आई वॉन्ट टू एक्सप्लेन इट हियर दैट देयर विल बी नो एनी फ्लो ऑफ करेंट ड्यू टू होल इन दिस एक्सटर्नल सर्किट। वाई? If it is the semiconductor, we know that the in semiconductor there is two type of the charge carrier, so the current should also be because of the hole, but you are saying that there will be the no flow of hole in the outer circuit. यहाँ पे होल करंट नहीं फ्लो करेगा क्योंकि यह मेटल का बना होता है और मेटल में आपको पता है केवल और केवल फ्री इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं, वहाँ कोई भी होल का क्रिएशन नहीं होता है, कोई भी होल मेटल में आपके नहीं बनता है। कंडक्टर मैंने बताया था वहाँ केवल एक टाइप का चार्ज कैरियर होता है, तो इसलिए यह एक्सटर्नल सर्किट में जो कॉपर वायर एल्यूमिनियम वायर होगा केवल और केवल आपका इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है, यहाँ फ्लो नहीं करता है, अंदर फ्लो करेगा। तो इसीलिए यदि सेमीकंडक्टर में कोई करंट पूछे क्या होता है, जो मैं कंडक्टिविटी में बताऊंगा, ठीक है, जो मैं कंडक्टिविटी में बताऊंगा, वह होता है, वह होगा दो टाइप्स का होगा सेमीकंडक्टर में, एक तो होता है करंट ड्यू टू द इलेक्ट्रॉन प्लस करंट ड्यू टू द होल। सेमीकंडक्टर में टोटल करंट अगर आपसे कोई पूछा जाए IT इज इक्वल टू, तो सेमीकंडक्टर में होगा सम ऑफ द करंट ड्यू टू द इलेक्ट्रॉन्स एंड ड्यू टू द होल्स, होल के द्वारा। यह सेमीकंडक्टर में करंट का फार्मूला होता है। कंडक्टिविटी पढ़ाऊंगा तब उसमें मैं इस चीज को डिस्कस करूंगा। ये एन टाइप सेमीकंडक्टर हो गया। नाउ द सिमिलर इन ब्रीफ आप क्विकली मैं आपको बताऊंगा पी टाइप सेमीकंडक्टर क्या होता है। पी टाइप सेमीकंडक्टर डेफिनेशन लिखने की जरूरत नहीं है, मैंने बताया आपको। तो पी टाइप सेमीकंडक्टर मतलब यहाँ पे क्या होगा, एक्सेस ऑफ होल होगा, क्या होगा, एक्सेस ऑफ होल होगा। तो इसमें जो मिलेगी सुटेबल अमाउंट ऑफ किसको हम मिलाएंगे, सुटेबल अमाउंट ऑफ ट्राईवैलेंट, क्या मिलाएंगे, ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी। पी टाइप सेमीकंडक्टर मिलने के लिए हम सुटेबल अमाउंट ऑफ ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी किस में मिलाएंगे, इन प्योर सेमीकंडक्टर में हम सुटेबल अमाउंट ऑफ इम्प्योरिटी मिलाएंगे। अब पी टाइप में हम कौन सा ये होता है, यदि आपको आप पता होगा तो गैलिनियम, जैसे गैलियम जो होता है वो आपका हैविंग थ्री वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, इनिडियम में होता है। तो इसकी मैं स्ट्रक्चर की बात करूं तो यहाँ पे जैसे मैंने गैलियम है और इसकी मैं बनाने की बात करता हूँ, ये जर्मेनियम हो गया, ठीक है, यहाँ जर्मेनियम, जैसे क्विक बताऊं क्योंकि मेरा टाइम हो गया है, नॉक कर रहे हैं सर हमारे, वो क्लास लेना चाहते हैं, ये जर्मेनियम। तो होता क्या है इसमें जो शेयरिंग होगी जर्मेनियम के पास तो 4 पाया जाएगा, 4, बट गैलीनियम के पास क्या होता है, 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, तो 3 तो बात कर लेता है, 3 आपका फॉर्म कर लिया, ये देख रहे हो ना, ये जो फॉर्मेशन हो रहा है, यहाँ भी हो गया, यहाँ भी बन गया, बट यहाँ इसके पास नहीं होता है, तो इसकी वजह से यहाँ पे जो एक क्रिएशन होता है, होल का क्रिएशन होता है, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन तो है नहीं, तो होल क्रिएट होता है, क्या होता है, होल क्रिएट होता है, इसकी वजह से क्या होता है, होल क्रिएट हो जाता है यहाँ पे। तो और इसी गैलीनियम को हम कहते हैं ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी कहते हैं, इट इज योर ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी, ठीक। तो इस चीज को हम समझने के लिए अगर हम एनर्जी बैंड डिस्क्रिप्शन इसका बनाते हैं, जल्दी से हम क्या बनाते हैं, एनर्जी बैंड डिस्क्रिप्शन, क्योंकि एनर्जी बैंड डिस्क्रिप्शन में जैसे कि यहां पे सेमीकंडक्टर में ये बैलेंस बैंड हो गया और ये हुआ कंडक्शन बैंड, ठीक, ये हुआ आपका कंडक्शन बैंड और ये हुआ वैलेंस बैंड। तो जो वह होल पाया जा रहा है वह होल कहाँ पड़ेगा, वह होल ना ही वैलेंस बैंड एनर्जी में पाया जाएगा ना कंडक्शन बैंड एनर्जी में, वह कहाँ पाया जाएगा, इस फॉरविडन एनर्जी गैप में पाया जाएगा, किस में पाया जाएगा, फॉरविडन एनर्जी गैप में, बट कहाँ पाया जाएगा, जो इसका प्लेस होता है जस्ट एबव द कंडक्शन बैंड, कहाँ होगा, जस्ट एबव द
कंडक्शन बैंड, सॉरी जस्ट अबव द वैलेंस बैंड। और यह जो एनर्जी गैप होगी जो इसके बीच में यहाँ से यहाँ तक, यह होती है इज इक्वल टू 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है इसका भी। अब होता क्या है इस केस में, वैलेंस बैंड को हम जैसे ही यहाँ पे वैलेंस बैंड में आपके पाए जाते हैं मान लीजिए फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, तो जैसे ही थर्मल एनर्जी देते हैं तो यह एक्साइटेड होता है और एक्साइटेड होकर कहाँ जंप करता है, एक्साइटेड होकर तुरंत ही जंप करता है और पहुँच जाता है यहाँ पे, कहाँ पे पहुँचेगा ये, यहाँ पहुँच जाता है किसमें, आपके इस एनर्जी लेवल में, और इसको कहते हैं आपका एसेप्टर एनर्जी लेवल। क्या कहते हैं, एसेप्टर एनर्जी लेवल, एसेप्टर एसेप्टर एनर्जी लेवल। इसका नाम क्यों बना एसेप्टर, क्योंकि यह ट्राईवेलेंट है, अभी मैंने ये बताया ये कैसा है ट्राईवेलेंट, यहाँ एक होल क्रिएटेड है तो इसको एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत होगी, इसलिए यह कहलाता है एसेप्टर एनर्जी लेवल। तो यहाँ से ये जंप करने लगता है, देखिएगा यहाँ पे क्या करता है, थोड़ी सी रूम टेम्परेचर पे एक्साइटेड होके ये तुरंत यहाँ पे जंप कर जाता है, फ्री इलेक्ट्रॉन कहाँ चला जाता है यहाँ पे, तो यहाँ क्रिएट हो जाता है होल, क्या क्रिएट होता है, होल क्रिएट हो जाता है, और इस होल की वजह से यहाँ पे करंट फ्लो करने लगता है, यहाँ क्रिएट हो जाता है आपका होल, तो इसलिए ये कहलाता है आपका एसेप्टर एनर्जी लेवल। तो क्या यहाँ आपका फ्री इलेक्ट्रॉन होगा, बेशक यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन होगा, ऐसा नहीं है कि यहाँ फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, क्योंकि थर्मल एनर्जी की वजह से जो कोवेलेंट बांड भी तो टूट रहा है, तो कोवेलेंट बांड टूटने की वजह से होल बनते रहेंगे और इलेक्ट्रॉन आपका जंप करता रहेगा, वहां होगा ही, बट यहां पे ज्यादा होल क्रिएट हो जाएगा वैलेंस बांड में, क्योंकि एसेप्टर एनर्जी लेवल होने की वजह से थोड़ी एनर्जी पाते ही मान एक्साइटेड होके ये तुरंत पास में चला जाता है, और यहां पे क्योंकि थोड़ा एक्साइटेड हुआ यहां गया तो ये यहां पे रुक जाता है, तो यहां पे होल का फॉर्मेशन ज्यादा होने लगता है। तो पी टाइप का यदि मैं वो बताऊं तो मेनी न्यू होल्स, ये मैं कह सकता हूं यहां पे मेनी न्यू होल्स आर जनरेटेड, मेनी न्यू होल्स आर जनरेटेड, मेनी न्यू होल्स आर जनरेटेड इसमें हो जाएगा। दूसरा इसकी यदि मैं प्रॉपर्टी की बात करूं तो सेम फार्मूला यहां भी लगेगा, एन ई नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड नंबर ऑफ होल इज इक्वल टू एन आई स्क्वायर, यह सेम यही लगता है इसकी। अब मैं अगर सर्किट डायग्राम बनाने की कोशिश करूं तो सर्किट डायग्राम जो बनेगा उसका सेम बनेगा जो मैंने वहां पे बनाया था, ये आपका पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल, यहां से ये सर्किट, ये सेमी कंडक्टर है, इस सेमी कंडक्टर से अब करंट फ्लो करेगा, करंट फ्लो करने के लिए हमें बताए हैं जो फ्री इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होगा वो यहीं से होगा निगेटिव टर्मिनल से, ये फ्लो कर रहा है यहाँ जा रहा है निगेटिव टर्मिनल से, फिर ये वापस आएगा बाहर, कोई भी किसी सर्किट में यहाँ पे होल नहीं मिलेगा क्योंकि ये मेटल्स हैं आपको पता है, अंदर जो पाया जाएगा आपका होल्स जो होता है वो एक्सेस मात्रा में पाया जाएगा, किस में पाया जाएगा, होल्स जो होगा एक्सेस मात्रा में होगा, ठीक है, ये मैंने आपको यहाँ पे बना दिया। तो ऐसे टाइप को हम कहते हैं पी टाइप, यह कौन सा सेमीकंडक्टर हुआ, पी टाइप सेमीकंडक्टर हो गया। यहाँ भी सेम प्रोसेस होता है, होल यहाँ पे आता है कैंसिल हो जाता है इलेक्ट्रॉन जाने की वजह से इस सिरे पे, इस पे क्या होगा यदि मैं देखना चाहूँ बताना, तो यहाँ पे क्या होता है, इसे मैं ग्रीन से ले रहा हूँ, यहाँ पे मान लीजिए ये ए पॉइंट है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन गया, होल कैंसिल हो जाता है, अगर वह इधर को आने की कोशिश करेगा तो ये इसको रिपेल करेगा तो यहाँ से भी कैंसिल होता है, तो होल केवल और केवल सेमीकंडक्टर मटेरियल में ही फ्लो करता है ना कि आउटर सर्किट में होता है। तो आई थिंक दैट ये सब चीज़ें आपको समझ में आओगे, अगर आपको कंपैरिजन की बात किया जाए तो इतनी डिफिनेशन मैं बता चुका हूँ इसमें क्या डिफरेंसेस हैं, किस में पाया जाता है, एन टाइप में आपका पेंटावेलेंट, एन टाइप में आपकी जो डोनर एनर्जी लेवल पाई जाती है, पी टाइप में एक्सेप्टर एनर्जी लेवल पाया जाता है। तो आई थिंक दैट आई हैव बीन कवर्ड ऑल थिंग व्हाट इज द पॉसिबल फॉर व्हाट इज रिलेवेंट फॉर योर एग्जाम। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी, आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो।